भाई भाई बीच में। हाँ ठीक 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 रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा, रुक रहने दो ना। अरे सर आप ही आ रहे हैं। राखी जी इधर 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 बस बस सेंटर में। हाँ लगाओ लाओ अरे उधर से बोलने दो, उधर से बोलेंगे तो फिर होगा जगह। जी मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अभी ऑक्सीजन लगाया है, अब वो शिकांड ब्रीद सांस नहीं ले पा रही है। मम्मी ने आपसे कुछ कहा, कुछ बातें हुई हैं आपको? मैं मम्मी को अभी प्रे किया, मेरी पूरी फैमिली आ गई है और मासियाँ कह रही है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, शीज़ उस कंडीशन में नहीं है, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, पूरी बॉडी में कैंसर फैल चुका है, ज़बान से बोलना नहीं चाहिए। मैं होप रख सकते हैं, जो ईश्वर की मर्ज़ी है वो हो। मम्मी हे परमेश्वर, इतना पेन मत दो मम्मी को, उतना पेन मत दो, आपकी इच्छा पूरी हो खुदा। कांट सी हर लाइक दिस, पूरे बॉडी में एकदम ब्लड के धब्बे हो जाते हैं ना, वो हो गए, हाथ पैर सूज गए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मालूम नहीं, पूरे हाथ पैरों को पट्टियाँ बांध दी है और ब्लड पूरा पैर से जा रहा है, बहुत नाजुक हालत है, बहुत ही नाजुक। डॉक्टर्स ने क्या कहा? मैं डॉक्टर से मिल नहीं पाई हूँ, बट इलाज चालू है, मेडिसिन पे रखा है, पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी ने भी आपसे कुछ बात की है, कुछ कहा है? क्योंकि हमेशा से मम्मी आपको मोटिवेट करती थी। मम्मी ने मेरा असली नाम पुकारा मुझे, मैंने बोला मम्मी, मासी ने बहुत बोला नीरू आइए नीरू, तो नीरू ऐसे बोला, मम्मी ने नहीं बोल पा रही है, बुरी हालत है, शी इज़ नॉट इन कॉन्शियस। सभी का सपोर्ट आपकी तरफ है, हम देख रहे हैं कि सभी जगह पे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सभी प्रे कर रहे हैं आपके मॉम के लिए, उन सभी के लिए कुछ कहना चाहूँगी? मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगी, हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा तेल वाला, ज़्यादा शक्कर, ज़्यादा मीठा, प्लीज़। जब हम बीमार होते हैं ना, हमें बहुत भुगतना आता है इस शरीर को, बहुत ज़्यादा। काश मेरी माँ ने, बेचारी झुलझ रही है कैंसर से, डायबिटीज़ से, लो बीपी, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ब्रेन ट्यूमर से, हर चीज़ एक साथ में आ गई है। जैसे मेरी ज़िंदगी में एक साथ में इतने दर्द आ गए हैं, टूट पड़े हैं, आसमान भी रो रहा है। बस सबको इन्हें कहना चाहूँगी कि हेल्दी रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सूप सलाद खाइए। आपके पेरेंट्स का अगर अभी नहीं शुरू किया है तो शुरू कर दीजिए, करेले के जूस, सारे जूस। ये इसीलिए क्योंकि मैं मम्मी को पहले से देती थी, बट मम्मी नहीं पीती थी, बट मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। well, जब भी आप बिग बॉस में भी गई थी तब भी आपकी मॉम इतनी खुश थी, अब जब एकेडमी न्यू ओपन होने वाला था, क्या उस बारे में भी पता था मम्मी को? हाँ, आई थिंक जिस दिन अकेडमी ओपन वाले होने वाला था, उस दिन मेरा वो इंक्वायरी के लिए मुझे बुलाया गया था, तो उधर फिर मैं उस दिन अकेडमी नहीं ओपन किया। अभी मुझे अकेडमी, मेरी राखी संबंध अकेडमी ओपन करनी है, लेकिन अभी माँ ठीक नहीं है, शायद मैं दो चार दिन में कर दूँ, क्योंकि वहाँ पे भी इतने स्टूडेंट सब आ रहे हैं, तो वहाँ पे ध्यान देना होगा, तो शायद दो चार दिन में मैं आप सबको बुलाऊँगी वहाँ पर। साथी राखी, हमेशा से हमने देखा है कि आदिल आपके साथ ही रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से अभी वो नहीं दिख रहे, क्या है? एक बुरे समय में आपका साथ वो नहीं दे रहे, आपका साथ छोड़ दिया है, क्या है?
क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों को सभी बहुत पसंद करते थे। मेरा हस्बैंड है आदिल, मैं इनसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। ज़मीन आसमान फट जाए, मुझे मेरे हस्बैंड से कोई अलग नहीं कर सकता। सकम चांसेस आते हैं जाते हैं, शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। निकाह करना, इस्लाम कबूल करना, पति का प्यार पाना, ये मेरा हक है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझसे जुदा कभी नहीं हो सकते, लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। थैंक यू। साथ ही शर्लिन ने भी बीच में बहुत कुछ कहा, ऐसे समय के टाइम पे इतने सारे आरोप आपके ऊपर डालती गई है, क्या कुछ कहना चाहोगे जब ऐसे समय में आपके ऊपर इतनी सारी लाइक समस्या एक साथ आ गई है? मेरे सर पे बहुत स्ट्रेस टेंशन है कि मैं फिर भी चट्टान की तरह स्ट्रेट खड़ी हूँ, हाथ पैर डगमगा रहे हैं मेरे। माँ बीमार है बाहर, मेरे साथ क्या हो रहा है मैं ही जानती हूँ, मेरी फ्रेंड जानती है, राजश्री जानती है, शायद मेरी जगह और कोई होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैं विश्वास रखती हूँ अल्लाह में, खुदा में, ईश्वर में, कि मैं एक मिट्टी की इंसान हूँ और मेरे साथ रात के बाद सुबह आएगी और सब कुछ अच्छा होगा। मेरे साथ मेरे फैंस हैं, आप लोग हो, माँ का आशीर्वाद है, मेरी शादी कोई तोड़ नहीं सकता। मेरा हस्बैंड मुझे हमेशा प्यार करेगा और मैं उनसे हमेशा प्यार करूँगी। प्लीज़ मुझे छोड़ दे। आपको कुछ कहा है आपकी मॉम की तबीयत के ऊपर? भाई का फ़ोन आया था, मुझे चक्कर आ रहे हो, पकड़ा मुझे। भाई ने क्या कहा है, सलमान सर ने कुछ कहा है? नहीं, भाई का फ़ोन हमेशा आता है, सब सेलिब्रिटीज़ का फ़ोन आता है खबर के लिए आता है जी। चलिए ना भाई, हमेशा माँ की तबीयत पूछते हैं, डॉक्टर से भी बात करते हैं, उनके डॉक्टर भी बात कर रहे हैं, और सलमान भाई का हमेशा आशीर्वाद है। भाई मेरे बॉलीवुड में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का आशीर्वाद है, मेरा सलमान भाई का आशीर्वाद हमेशा सर पे है, वो हमेशा माँ के लिए पूछते हैं, माँ कशी है, माँ कशी है। थैंक यू। मैं नहीं डांस करती, उस पर रील नहीं डाल पाई, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस बार मैं रील नहीं डाल पाई। लेकिन मैं विश्वास रखती हूँ कि आपकी पठान सुपर हिट जाएगी शाहरुख जी, क्योंकि आप ही ने मुझे लॉन्च किया था। आज जो कुछ भी हूँ मैं, शाहरुख जी आप ही की देन है, आप मुझे ब्रेक नहीं देते तो शायद मैं बॉलीवुड में नहीं होती। लेकिन इस हालत में भी हम कोशिश करेंगे कि एक रील डालें बना के, प्लीज़ पठान की आज एक रील बनाए, कल एक रील बना के शाहरुख जी के लिए, मैं पठान के लिए कल एक कैसे भी रील बना के मैं डालूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है शाहरुख जी और सलमान जी ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, तो मैं रील बना के डालूंगी। और उनकी फिल्म पठान सुपर हिट है। माँ माँ पठान को आशीर्वाद दो, शाहरुख को आशीर्वाद दो, उनकी फिल्म सुपर हिट हो जाए, देश की जनता सुपर हिट कर देगी फिल्म को। प्लीज़ बहुत जल्द, अभी मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है, वो मेरे हालात ठीक नहीं है, बट मैं अभी अकेडमी बहुत जल्दी लॉन्च करूँ। थैंक यू। आदिल मेरा है, उसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरा प्यार है, और शादी निकाह कोई मजाक नहीं है। अरे शादी के बाद कितनी लाइफ चेंज हो गई, कुछ बताना चाहिए जब से आदिल ने एक्सेप्ट किया है शादी को? बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ आदिल के साथ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई।